ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 135 डिग्री 30 मिनट, ये लिखा हुआ है ना, इतना ये मैग्नेटिक बियरिंग है ना, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से ये एंगल होगा। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग, मतलब ट्रू नॉर्थ से क्या एंगल होगा इसका, व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग इफ द डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 15 मिनट वेस्ट। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग का इसका सॉल्यूशन ऐसे है, फटाफट जो है हम लोग उसका डायरेक्शन बना लेते हैं। जैसे ट्रू नॉर्थ एक्चुअली में इसको हमेशा स्ट्रेट दिखाते हैं ऐसे, है ना, वर्टिकल दिखाते हैं, तो ये ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन है, इधर ट्रू साउथ हुआ। अब बोल रहा है कि डिक्लिनेशन किस साइड है, डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री वेस्ट, है ना, वेस्ट साइड में है, इधर डिक्लिनेशन है, तो जो हम लोग का मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो इस साइड में होगा, है ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा 5 डिग्री वेस्ट, ये एंगल जो है 5 डिग्री होगा, है ना, 5 डिग्री 15 मिनट जो लिखा हुआ है तो वो होगा, वेस्ट साइड है इसलिए इधर दिखा देंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे, अब ट्रू नॉर्थ यहाँ पे। अब बता रहा है कि कोई लाइन होगा ए बी, है ना, जिसका उसका मैग्नेटिक बियरिंग जो है 135 डिग्री 30 मिनट निकला हुआ है। तो मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक नॉर्थ से लेते हैं बियरिंग, है ना, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से मतलब यहाँ से लिया हुआ कोई बियरिंग है किसी लाइन का, वो 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, तो इस लाइन पे वो इस मेरिडियन के लॉन्ग वो जो लाइन होगा वो लगभग ऐसा होगा, 90 से ज़्यादा होगा, है ना, मान लो कि 90 इतना रहा होगा, 135 डिग्री वाला लाइन ऐसा रहा होगा, ये अपना ए बी कोई लाइन होगा ए, और यहाँ हम लोग का ये बी, तो इस ए बी लाइन का जो है बियरिंग जो हो गया, ये बोल रहा है कि ये 135 डिग्री और 30 मिनट है। ठीक है, समझ में आया, मैग्नेटिक नॉर्थ से ही लेते हैं ना, मैग्नेटिक नॉर्थ से जो किसी लाइन का बियरिंग होता है उसे हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं, तो मैग्नेटिक बियरिंग ए बी का बताया हुआ 135 डिग्री 30 मिनट, वो हमने ड्रॉ कर दिया, ये बियरिंग जो है 135 डिग्री और 30 मिनट है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द ट्रू बियरिंग ऑफ, ट्रू बियरिंग क्या होगा इस ए बी का, है ना, ए बी का ट्रू बियरिंग क्या होगा, ट्रू बियरिंग मतलब ट्रू नॉर्थ से एंगल, है ना, ट्रू नॉर्थ से एंगल, मतलब ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल ट्रू नॉर्थ ये वाला है ना, इससे ये एंगल पूछ रहा है इसी ए बी लाइन का, तो कितना होगा बताइए, माइनस कर देंगे, वो जो होगा हम लोग का ट्रू बियरिंग जो होगा, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 135 डिग्री 30 मिनट माइनस 5 डिग्री और 15 मिनट जो डिक्लिनेशन है ना, तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका, 130 डिग्री और 30 में से 15 घटेगा तो 15 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझ में आया, ये बन गया ये क्वेश्चन, है ना, बस इतना ही था, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है एकदम मार्क्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछता है और आपके भी यहाँ पूछेगा, तो मतलब आपको दिया हुआ रहेगा कि डिक्लिनेशन इस साइड या वेस्ट साइड किस साइड है, और आपका मैग्नेटिक बियरिंग दिया रहेगा, ट्रू बियरिंग पूछेगा, या उल्टा कर सकता है, ट्रू बियरिंग दिया रहे और मैग्नेटिक बियरिंग पूछा रहे, तो यहाँ पे अगर ट्रू बियरिंग दिया हुआ रहता कि ट्रू बियरिंग जो है 130 डिग्री 15 मिनट है और डिक्लिनेशन बता देगा कि वेस्ट साइड है इतना, तो मैग्नेटिक बियरिंग बताइए, तो वो भी आप बता देते, जो इसमें घटाया हो वो जोड़ के बता देते, है ना, जोड़ देते तो ये बन जाता। ठीक है, तो यही इजी से काम है, बस एक बार आप समझ गए कि किसको क्या बोलते हैं तो आप आराम से वो निकाल सकते। ठीक है, अब बताइए कि कोई बियरिंग जो है उसका जो है मैग्नेटिक बियरिंग जो है एम बी दिया हुआ है, वो कुछ एंगल है, वो 70 डिग्री है, 70 डिग्री और 30 मिनट, और डिक्लिनेशन जो हो रहा है, डिक्लिनेशन है वो ईस्ट में है, वो 4 डिग्री और 0 मिनट ईस्ट है, बताइए इसका ट्रू बियरिंग कितना होगा, 74 डिग्री, क्योंकि इस साइड में है, इसको जब ड्रॉ करोगे आप तो आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना, जैसे ये आपका जो है कोई जो है ट्रू वाला नॉर्थ है, ये आपको ईस्ट डिग्री ईस्ट में डिक्लिनेशन हो रहा है, तो आपका जो नॉर्थ होगा मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसा होगा, है ना, तो इससे जो है 70 डिग्री कोई निकाले हुआ है, किसी लाइन का बियरिंग जो है इससे 70 डिग्री है, आपको ट्रू पूछ रहा है, यहाँ से बताना है, तो इसमें से आप ये वाला जोड़ दीजिए जो डिक्लिनेशन है ना, तो आपको निकल जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे 70 और 4 को, तो आपको हो जाएगा 74 डिग्री और 30 मिनट। तो एक बात ये भी समझ में आया कि डिक्लिनेशन अगर वेस्ट साइड होगा तो हम लोग को ऐड करना होगा,
और डिक्लिनेशन अगर ईस्ट साइड होगा सॉरी डिक्लिनेशन अगर वेस्ट साइड होगा तो घटाना होगा, और डिक्लिनेशन अगर ईस्ट साइड में होगा तो हम लोग को जोड़ना होगा ट्रू बियरिंग निकालने के लिए, है ना। अब मैग्नेटिक बियरिंग पूछे तो जस्ट अपोजिट करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब जो है एक और इससे इसी से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि जो ये क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन, सन मतलब सूरज का, सन एट नून, नून मतलब दोपहर के टाइम में 12 बजे दिन में, सन एट नून इज 175 डिग्री 30 मिनट। ऐसे सूरज का 12 बजे दिन में कहीं पे भी कितना होना चाहिए बियरिंग, सूरज जो है 12 बजे दिन में कहाँ पे होता है, आपके सर के ऊपर होता है कि तिरछा होता है कि दाएं या बाएं, एकदम ऊपर में होता है, तो कभी भी बियरिंग लोगे तो उसका या तो 0 डिग्री आएगा या 180 डिग्री, है ना, यही मतलब हुआ ना इसका। हम लोग का जो ये है मतलब नॉर्थ दिखाने वाला जो कंपास होगा वो नॉर्थ साउथ दिखाएगा, लेकिन कोई चीज ऊपर में है एकदम सीधा ऊपर में है, उसका बियरिंग या तो 0 होगा या 180, कुछ भी बोल सकते हो, ये बात समझ रहे हो ना। लेकिन उसका बोला हुआ है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून इज 175 डिग्री और 30 मिनट फ्रॉम ए स्टेशन, मतलब किसी भी स्टेशन से उसका जो बियरिंग आया है 175 आ गया, आना चाहिए एक्चुअली में 80, ठीक है 180 आना चाहिए एक्चुअली में, जो कि 175 आया है। फाइंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट स्टेशन, उस स्टेशन के पास, इसका मतलब है 175 डिग्री आया है, इसका मतलब ही है कि वहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो कितना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो रहा है वो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सूरज का किसी ने किसी स्थान पे 12 बजे दिन में नून टाइम में, है ना, उस टाइम में उसने मैग्नेटिक बियरिंग लिया, तो होना ये चाहिए कि बियरिंग या तो 0 आता, एकदम सर के ऊपर कोई चीज है तो उसका बियरिंग क्या होगा, वो तो आपसे ना दाएं है ना बाएं है, तो उसका बियरिंग या तो 0 आएगा या 180 डिग्री होगा, आ गया उसको इतना, इसका मतलब ही है कि वहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो कितना हो रहा है ये बताना है। तो इसको ऐसे बनाते हैं कि एक्चुअली में जो दोपहर का टाइम होता है, जैसे हम लोग की ये धरती है ना, तो वहां पे ट्रू नॉर्थ जो है ऐसे, ट्रू नॉर्थ यहाँ पे है और ट्रू साउथ इधर है, और हमारी धरती मान लो कैसे गोल है, इस बीच में यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, है ना, ऐसे ही है ना। तो दोपहर में क्या होता है कि सूरज एकदम इसके ऊपर में होता है, मतलब कि इसी लाइन पे होता है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाले लाइन के पे ही होता है एग्जैक्टली, है ना, किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप खड़े हुए हैं दोपहर का टाइम है, तो आप यहाँ पे खड़े हुए मान लो, तो सूरज आपके एकदम जस्ट ऊपर होगा, इसका मतलब सूरज आपके जस्ट ऊपर है, इसका मतलब हुआ कि जो ये सूरज जो है एकदम ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ और आप जहाँ पे हैं उन तीनों को मिलाने वाले लाइन के ऊपर ही खड़ा हुआ है, है ना, इसका ये मतलब हुआ। अच्छा ठीक है, सुन रहे होगे, ठीक है, तो ये जो है या तो सूरज जो है आपका इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो कि यहाँ पे कहीं पे होगा सूरज, ठीक है, एकदम खड़ा ऊपर में है, इसका मतलब यही होता है कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ मिलाने वाले लाइन पे ही ये सूरज है हम लोग का, है ना, तो ये हम लोग का जो है सूरज है यहाँ पे, तो इसका बियरिंग कोई 175 डिग्री निकाले हुआ है, इसका मतलब कि वहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो रहा है, मतलब नॉर्थ जो नीडिल जो नॉर्थ शो कर रहा है वो ट्रू नॉर्थ के अलॉन्ग नहीं शो करके थोड़ा इधर या थोड़ा इधर शो कर रहा है, ठीक है ना, समझे, ये बात समझ रहे हो कि या तो इधर या इधर शो कर, क्लियर नहीं दिख रहा है सबको, नहीं हो सकता, ठीक है चलिए, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं दिख रहा होगा वो थोड़ा सा नेट को ये करें, है ना, फ्लाइट मोड पे करके ट्राई कीजिए, ठीक है। तो जब दोपहर का टाइम है इसका मतलब सूरज जो है अपने ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ वाले मिलाने वाले लाइन पे ही है, और वहाँ पे कोई बियरिंग 175 डिग्री है, इसका मतलब है कि हमारा जो मैग्नेटिक नीडिल है वो एकदम एग्जैक्टली नॉर्थ की तरफ ना दिखा के डिक्लाइंड है ना, इस ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो 175 डिग्री दिखाने के लिए वो ऐसा होगा, तब ना 180 से कम 175 दिखा दिया है इसका बियरिंग ऐसे, है ना, 175 डिग्री और 30 मिनट, समझ रहे हो बात को, इसका मतलब हम लोग का ट्रू जो मैग्नेटिक मेरिडियन रहा होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ जो है इस साइड डिक्लाइन रहा होगा, तो 180 डिग्री पूरा ना बता के वो निडिल चुके ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है, तो सूरज का बियरिंग उसने लिया होगा,
तो 175 डिग्री दिखा दिया। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि डिक्लिनेशन कितना था वहाँ पे। तो डिक्लिनेशन तो इन दोनों के बीच के एंगल को ना बोलते हैं, ये तो आप बता ही सकते हो आराम से। टोटल 180 डिग्री, इतना 175, तो ये बचा हुआ कितना होगा? तो डिक्लिनेशन, तो डिक्लिनेशन इक्वल टू, डिक्लिनेशन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 175 डिग्री 30 मिनट, इक्वल टू हो जाएगा ये 4 डिग्री और 30 मिनट, है ना, कि 180 से 175 तो नहीं कटाएंगे तो एक उधर लेंगे। तो ये इजी चीज़ है, एक बार आप समझ गए चीज़ को, आपको ड्रॉ करने आ गया तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ बोलिए। हाँ, ये तो एंगल ना आया, अब आपको यही बताना है कि इसका जो डिक्लिनेशन हुआ ईस्टर्न है या वेस्टर्न, आप बताइए। नॉर्थ, नॉर्थ किधर, नॉर्थ किधर? ईस्टर्न है। हाँ, तो आपको लिखना होगा डिक्लिनेशन इक्वल टू 4 डिग्री 30 मिनट और ईस्ट, है ना, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। अब अगर बताया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हो गया, ये खूब समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो अगर पूछा जाए आपसे कि सूरज का ही बियरिंग नून टाइम में किसी ने लिया, वो है 5 डिग्री 15 मिनट, ये बियरिंग है। ठीक है, तो आप बताइए कि वहाँ पे डिक्लिनेशन कितना हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बताइए। 5 डिग्री 15 मिनट जो है वो बियरिंग बता रहा है, डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन किधर हो रहा है? वेस्ट। और लोग नहीं, वही तो सोच रहा है आपको, ईस्ट होगा। और लोग बताइए, ईस्ट होगा, ईस्ट होगा, नहीं ईस्ट नहीं होगा। ठीक है, ईस्ट नहीं होगा एक्चुअली, है ना। तो ईस्ट कभी भी होगा ना जब इस टाइप का सिचुएशन होगा। अभी वाला सिचुएशन देख लो, अभी जो है ट्रू नॉर्थ हमेशा जो है हम स्ट्रेट दिखाते हैं, वर्टिकल, है ना, तो ये ट्रू नॉर्थ हम लोग का हो गया। अब सूरज हम लोग का या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो सूरज का बियरिंग वो बोला है कि 5 डिग्री ही है, तो 180 के अराउंड होता है तो सूरज को हम इधर दिखाते हैं ना, और जब 0 डिग्री के अराउंड होगा तो हम सूरज को यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, सूरज हम लोग का यहाँ पे है, हमेशा होना उसको ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ वाले लाइन पे ही है, ट्रू मेरिडियन पे ही होना है सूरज को, है ना। तो सूरज हम लोग का यहाँ पे है, तो इसका बियरिंग जो है कोई बता रहा है कि 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री जो है हमेशा हम कहाँ से लेते हैं, कोई भी जो बियरिंग होता है वो कहाँ से लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक नॉर्थ से लेते हैं। तो मैग्नेटिक नॉर्थ जो हम लोग का ऐसे भी हो सकता है, हम लोग का ऐसे भी हो सकता है ना। तो 5 डिग्री अगर हम लोग, अगर ऐसे होता मैग्नेटिक नॉर्थ जो हम लोग का है, तो उसके लिए बताया जाता कि 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया होगा कोई, है ना, ऐसे लिया होगा तब ना 5 डिग्री आया होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन दिया होता कि 5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, है ना। लेकिन कभी भी ऐसा बियरिंग जो दिया रहता है, इसका मतलब ये होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में है, अगर क्वाड्रेंट नहीं बताया हुआ है, इसका मतलब ये होल सर्किल बियरिंग में बताया हुआ है ना, इस सिस्टम में है। इस सिस्टम में कभी भी बियरिंग कैसे मेजर किया जाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो हमेशा जो है हम लोग का जो है नॉर्थ ऐसे रहा होगा, है ना, जो मैग्नेटिक नॉर्थ हम लोग का, इसका मतलब ऐसे रहा होगा, और उसने ये क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉक कैसे चलता है ना ऐसे, तो क्लॉकवाइज ये 5 डिग्री मेजर किया होगा उसने, 5 डिग्री, और जो ये 15 मिनट है तो 15 मिनट इसने मेजर किया होगा। ठीक है, तो इसने मेजर ऐसा किया होगा। अब बताइए हम लोग का मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ पाया गया, किस साइड पाया गया? इस साइड, है ना, और कितना एंगल, कितना? हाँ, तो इसको लिखना होगा 5 डिग्री और 15 मिनट और वेस्ट साइड डिक्लिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब बताइए कोई एंगल उसको आया 182 डिग्री 30 मिनट, अब कैसा होगा, क्या होगा इसका डिक्लिनेशन बताइए, वहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना होगा? सब लोग को बता देना, कुछ लोग को वेस्ट लग रहा है, इसको बनाते हैं हम लोग, है ना। देखिए हम लोग का ये है ट्रू नॉर्थ, ऐसे हमेशा होना है इसको, है ना, ये ट्रू नॉर्थ है हम लोग का, और 182 डिग्री उसने मेजर किया है,
तो इसका मतलब कोई लाइन जो है अगर मैग्नेटिक नॉर्थ जो है हम लोग का या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है ना, या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तो 182 डिग्री उसने मेजर किया है सूरज को, है ना। तो सूरज हम लोग का यहाँ पे इसका मतलब होगा 180 डिग्री के अराउंड, है ना, 182 डिग्री तो यहाँ पे होगा हम लोग का सूरज, ये चीज़ है। तो उसको 182 डिग्री होने का मतलब है कि नॉर्थ हम लोग का ऐसे रहा होगा, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ, समझ रहे हो। तब तो ये 180 प्लस मेजर कर लिया, है ना। तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 से कितना एक्स्ट्रा है, 2 डिग्री और 30 मिनट। तो बताइए डिक्लिनेशन कितना लिखें, 2 डिग्री 30 मिनट, डायरेक्शन वेस्ट। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा के हमेशा पूछेगा, जो कि बन जाएगा इजिली, है ना।